राजनीति में जब से अरविंद केजरीवाल की वापसी हुई है तब से ही हलचल का माहौल अपने चरम पर है। जी हाँ, दिल्ली में इस वक्त चुनाव प्रचार के लिए आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल जमीनी स्तर पर मौजूद थे, लेकिन अब दिल्ली में लोकसभा चुनाव पूरे हो चुके हैं, यानी दिल्ली में मतदान पूरा हो गया है और अब मतदान के बाद कहीं ना कहीं स्थितियाँ बदल चुकी हैं। स्थितियों के बदलने का कारण भी सबसे अहम यही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आने का कहीं से कहीं तक भी कयास नहीं लगाया जा रहा था, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर हैं। हालांकि आपको बता दें कि 2 जून को अरविंद केजरीवाल को वापस से खुद को जेल में सरेंडर करना है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का जेल में सरेंडर होने के पीछे कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से सेफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, या कहें कि अरविंद केजरीवाल वापस जेल जाना नहीं चाहते। इसी के तहत अरविंद केजरीवाल ने आज सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली और इस अर्जी के तहत अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी जमानत को, उनकी जो राहत है उसको 7 दिन बढ़ा दिया जाए। हालांकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट का इस पर कोई बयान तो सामने नहीं आया है, लेकिन मुद्दा तब भी यही उठता है कि आखिर अगर अरविंद केजरीवाल की जेल वापसी नहीं होती है तो आखिर किन मुद्दों पर उनको जमानत दी जाएगी। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि उनको अभी अपनी सेहत और स्वास्थ्य पर और ध्यान देना है, स्वास्थ्य से जुड़े और चेकअप करवाने हैं, और इसी के तहत वो ये चाहते हैं कि उनके रिमांड 7 दिन बढ़ा दी जाए। हालांकि अब इस मुद्दे के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार आक्रोश बनाए हुई है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज चेहरे मजिंदर सिंह सिरसा ने अरविंद केजरीवाल की इस जमानत पर, उनकी इस राहत पर सीधा सवाल किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने क्यों अपनी याचिका को, अपनी जमानत को 7 दिन और बढ़ाने की मांग रखी है। आपको बता दें कि जब से अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं तब से वो लगातार दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रहे थे, जोरों शोरों से दिल्ली और पंजाब में और तमाम जगहों पर चुनाव प्रचार जो थे वो तेज़ी में चल रहे थे। लेकिन इसी बीच अरविंद केजरीवाल की जमानत हुई और जमानत के बाद अब कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की अर्जी जाना और ये सुप्रीम कोर्ट में ये रिक्वेस्ट डालना कि मेरी जमानत को, मेरी बेल को और बढ़ा दिया जाए, इस पर अब लगातार भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। मजिंदर सिंह सिरसा ने अपने बयान में साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल को एक तरह से ऐसा रुख दिखाया है कि खुद आप सुन के हैरान रह जाएंगे। आप खुद ही सुन लीजिए कि मजिंदर सिंह सिरसा ने अपने बयान में क्या कुछ कहा। अरविंद केजरीवाल जी ने आज सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और मेडिकल ग्राउंड्स पे उनकी बेल को एक्सटेंड किया जाए। एक बात तो स्पष्ट हो गई, कल तक इंटरव्यू देकर अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे हमें तो 325 सीटें आ रही हैं, और फिर कहते थे कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनी और एनडीए की सरकार नहीं बनी तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। तो एक बात तो स्पष्ट है अरविंद केजरीवाल जी अब कि इंडिया अलायंस की सरकार भी नहीं आ रही और बीजेपी को फुल मैंडेट भी आ रहा है और आपको जेल भी जाना पड़ेगा, इसीलिए आप जमानत मांग रहे हैं। हैरानगी इस बात की है, जो आदमी तंदुरुस्त बाहर घूम रहा है, सारा दिन प्रधानमंत्री जी को लेकर सारे देश को गालियां निकाल रहे हैं, जब जेल जाने की बारी आती है उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो सुना आपने कि मजिंदर सिंह सिरसा ने आखिर अपने बयान में अरविंद केजरीवाल पर कैसा सवाल उठाया है, बीजेपी ने आखिर कैसा तंज कसा है। एक ऐसा तंज बीजेपी की ओर से कसा गया है कि खुद अब अरविंद केजरीवाल को इसका जवाब जरूर देना होगा। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं।